हेलो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब दिस इज़ उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एटलेशन के बारे में एटलेशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स डेवलप करती है इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस नहीं है अभी क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही दिस कंपनी है स्टार्टेड हायरिंग इन इंडिया फॉर इट्स ऑफिस इन बैंगलोर लेकिन ये कंपनी जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव पैकेजेस देती है काफ़ी सारे पर्क्स हैं इस कंपनी में काम करने के जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे आपको बता रहे होंगे इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्या टेक्सटैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे होंगे व्हाट इज़ दी हायरिंग प्रोसीजर योर फॉर इंटर्न्स एंड फॉर फुल टाइम क्या टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप इस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड लास्टली क्या यहाँ पे कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर रहता है एट डिफरेंट लेवल तो जो भी मुझे इंटरनेट सोर्सेज से पता चला जो भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ शेयर किया जो कि आटलेशन में काम कर रहे हैं उससे जो है मैं आपको वो सारी नॉलेज गैदर करके इस वीडियो में बताना चाहती हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि वॉट आर दी मेजर पर्कस ऑफ वर्किंग इन दिस कंपनी यानी एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है रिमोट फर्स्ट कंपनी जिसका मतलब कि इस कंपनी में अगर आप काम करें यू डोंट हैव टू कम टू द ऑफिस आप कहीं से भी काम कर सकते हैं बट हाँ अगर आप रिमोटली काम कर रहे हैं तो क्वार्टर में एक बारी और सो आपको बुलाया जाता है फॉर टीम बॉन्डिंग एंड टीम एक्टिविटीज़ विच इज़ काफ़ी ग्रेट इफ आर लुकिंग फॉर

वॉट दी फैंग कंपनीज ऑफर एंड यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जैसे कि अगर ऑन कॉल हो आप एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ना तो उसके लिए आपको अलग से कॉम्पनसेशन मिल नंबर फोर अगर आप ऑफिस जाते हैं एटलेजन के तो वहाँ पे आपको सिर्फ फ्री ही नहीं बल्कि अनलिमिटेड फूड एंड स्नैक्स भी प्रोवाइडेड होते हैं इसके साथ साथ आपको काफी री एम्बर्समेंट भी मिलते हैं फॉर फिटनेस फोन इंटरनेट एक्सपेंसेस वर सम ऑफ ऑफ़ दी पर्क्स वर्किंग अब अगर आप एटलेशन पे काम कर रहे हैं तो आप कौन सा टैग एक्सपेक्ट कर सकते हैंज थ्री स्टैंडर्ड टेक्सटैक्स विच इंक्लूड स्टावा और कॉटलिन नोजेस एंड मोस्टली इस कंपनी में आप जो प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनसे ही काम कर रहे हो जो ऑप्सिलीट या काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं फ्रेमवर्क्स हैं वो आप ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे होगे इफ़ यू वर्किंग एट दिस कंपनी बाकी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या टीम में काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपका टेक्सटाइल जो है वो चेंज हो सकता है अब बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की तो एटलेशन जो है वो ऑन कैंपस भी हायर करती है ऑफ कैंपस भी हायर करती है सबसे पहले इंटर्न्स के बारे में बात करते हैं इंटर्न्स के लिए आपके यहाँ पे फोर राउंड्स होते हैं जहाँ पे सबसे पहले आपका रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड होता है अगर वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में आपको एक हाकर पे आपका कोडिंग असेसमेंट होता है जहाँ पे मीडियम टू हार्ड लेवल डी एस ए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अब ये राउंड भी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है मोस्टली एक ही टेक्निकल इंटरव्यू होता है फॉर इंटर्न्स हो सकता है आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपके दो टेक्निकल इंटरव्यूज हो रहे हो बट मोस्ट केसेस में आप, आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपसे डी एस पूछे जा रहे होंगे एंड सम ऑफ दी सी एस वेल। उसके बाद एक लास्ट राउंड होता है जो कि वैल्यू एंड मैनेजमेंट राउंड होता है जहाँ पे आपसे कुछ भी टेक्निकल स्टाफ नहीं पूछा जाता बल्कि वैल्यूज के बारे में आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको जज किया जाता है कि आप एक अच्छे कल्चर फिट होंगे या नहीं फॉर एटलेशन तो ये था हायरिंग प्रोसेस फॉर इंटर्न्स अब अगर हम फुल टाइम के बारे में बात करें तो वहां पे अगेन आपका फर्स्ट राउंड जो होता है वो रेज्यूमे स्क्रीनिंग होता है एंड सेकेंड राउंड आपका ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होता है ये दोनों राउंड्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपके दो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे डी से ए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जो सेकेंड टेक्निकल इंटरव्यू वहाँ पे आपसे सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज वैसे जो है फ्रेशर्स सिर्फ सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन नहीं पूछती बट एप्लेशन इज वन ऑफ दिस कंपनी जो कि सिस्टम डिजाइन पे भी फोकस डालती एंड देन लास्ट राउंड जैसे कि इन का था वैसे ही आपका वैल्यूज एंड मैनेजमेंट राउंड होता है जहाँ पे आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउ इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी देन वट आर सम थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड डेफिनेटली ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन सबसे पहले फोकस ऑन योर रेज्यूम ताकि आप पहला राउंड जो है वो क्लियर कर पाए रेज्यूम में शॉर्ट का तो उसके लिए आपका रेज्यूमे जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वहाँ पे अगर आपने कुछ इंटर्नशिप्स कर रखी हैं पहले से तो दैट कैन हेल्प आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं आपने कॉम्पटिटिव कोडिंग कर रखी है, तो help, कर रखी है uh, कर रखी, आपकी अच्छी रैंक है uh, या फिर आप हैकाथॉन्स जीत चुके हैं तो ये सब चीज़ें कैन हैल्प उसके बाद आपको डी एस तो प्रैक्टिस करना ही करना है वो तो हर कंपनी में जो है वो सेम चीज़ रहती है आपको काफ़ी सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट देने हैं ताकि आपको समझ में आए कि अंडर प्रेशर कैसे आपको परफॉर्म करना है कोड करना है लिमिटेड टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड एज केसेस को कैसे कंसिडर करना है नंबर थ्री पॉइंट एटलेशन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ अल्क्रिदम्स uh, पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है तो अल्कॉर्दम्स जैसे कि जो ब्रूट फोर्स अल्कॉरिदम्स होती हैं या फिर ग्रीडी अलगोरिदम या डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन सब पे आपका काफ़ी अच्छा हो लेना चाहिए इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपनी आपके इंटरव्यूज़ में आपकी अनालिटिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा देखी जाएंगी तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स पे काम करें एंड जो डिज़ाइन uh, वाला कॉन्सेप्ट है ऑफ एनकोरिदम्स उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें नंबर फोर जो आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड रहेगा उसमें फ्रेशर्स से जो है वो ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली आपसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या डिजाइनिंग डेटा बेस राइटिंग क्वेरीज रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम ये सब जो है ईजी सिस्टम डिजाइन लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन इनके लिए भी आपको अलग से प्रेपरेशन करना पड़ेगा एंड फिफ्थ पॉइंट लास्ट राउंड के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिप्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि आर रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अपने वैल्यूज़ अपनी हिस्ट्री पे फोकस करती है तो यू शुड नो अबाउट द कंपनी वॉट वैल्यूज इट स्टैंड फॉर व्हाट इज़ द कल्चर दैट इट प्रवोट्स एंड ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल इन देयर इंटरव्यूज फाइनलीस दम्पन्शन तो इन टर्मस के लिए जो स्टाइपन रहती है आर्ट एथलेन इज अबाउट वन लैख थर्टी थाउजेंड पर मंथ एंड फुल टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस टी वन एस टी टू एस डी थ्री ये जो है पी थ्री पी फोर पी फाइव लेवल्स होते हैं आर्ट एथलेशन तो अगर पी थ्री की बात करें विच इज एस डी वन तो वहाँ पे आपकी बेस सैलरी होगी अराउंड 18 टू 21 वन एल पी ए विद योर जॉइनिंग बोनस विच कैन रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव लैक्स टू टू लैक्स यहाँ पर आपका टारगेट बोनस इज टेन परसेंट ऑफ़ योर बेस सैलरी एंड एंड यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो आपको सिक्सटी के टू सेवेंटी फाइव के यू एस डॉलर्स वर्थ स्टॉक्स मिल रहे होते हैं विच आर वेस्टेड ओवर फोर ईयर्स तो अगर फर्स्ट ईयर की बारे में बात करूँ सिर्फ की जो सी टी सी फॉर वन ईयर होगा दैट कम्स आउट टू बी अराउंड थर्टी एट लैक्स अगेन जो फोर ईयर्स का सी टी सी होगा दैट इज़ अराउंड एटी प्लस लैक्स तो वो काफ़ी ज़्यादा है अगर आप बाकी जो है बड़ी कंपनी से भी कंपेयर करें फर्स्ट ईयर का बट कम्स आउट टू बी थर्टी एट लैक उसके बाद फिर पी फोर लेवल विच इज़ एस टी टू वहाँ पे आपकी बेस सैलरी रहती है थर्टी फाइव टू फिफ्टी एल पी ए जहाँ पर आपका जॉइनिंग बोनस कुड कु टिल फोर लैक्स एंड योर टारगेट बोनस इज़ टेन परसेंट ऑफ योर बेस सैलरी यहाँ पे स्टॉक्स आपको वन हंड्रेड फिफ्टी के डॉलर्स तक के मिल सकते हैं विच इज़ काइंड ऑफ क्रेजी एंड फाइनली पी फाइफ लेवल पे विच इज़ एस टी थ्री लेवल यहाँ पे आपकी बेस सैलरी रहती है फोर्टी एल पी ए टू एटी एल पी ए जहाँ पे आपका जो टारगेट बोनस होता है दैट इज़ टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ योर बेस सैलरी एंड स्टॉक्स यहाँ पे आपको वन सिक्सटी के प्लस यू एस डॉलर्स वर्थ मिल सकते हैं तो एच डी टू एच डी थ्री लेवल पे जो कॉम्पन्सेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पहले आपकी प्रीवियस कंपनी कौन सी थी एंड uh, अगर आपके पास कोई कंपीटिंग ऑफर्स है या नहीं एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन वी कीप मेकिंग मोर वीडियोज लाइक दिस जैसे कि आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया था इन योर कॉमेंट्स अगर आपके पास और कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज कॉमेंट्स में हमें बताइए एंड हम उन पर पक्का वीडियो बनाना चाहेंगे एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय